मेरा नाम है केप्स और मैं आखिरी 365 डेज से अलग अलग लाइफ स्टाइल एसएमपीस में खेल रहा हूँ। पूरे साल में मैंने पूरी की पूरी एसएमपीस डिस्ट्रॉय की है, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसएमपी मेंबर का अकाउंट हैक किया है, मैंने एक यूट्यूबर एसएमपी की एंड वॉर में बिना लड़े ड्रैगन एग लिया है, लापता एसएमपी ज्वाइन किया है। लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? अभी से एक साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट एसएमपी ज्वाइन की थी। नॉर्मल लोग एसएमपी में आते ही पहला काम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग या बिल्ड बनाते हैं अपना। लेकिन मेरी थोड़ी सी मेंटोस जिंदगी थी, मैंने पूरी एसएमपी के लिए एक ट्रैप बनाया था। हेलो एवरीवन, मैं एक टूर्नामेंट रखा रहा हूं। जो ट्रैप तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे एसएमपी मेंबर्स को ये मैसेज भेज के मैं एक ट्रैप सोचने लग गया था। ये रहा मेरे ट्रैप का बेसिक आइडिया। मैं एक छोटे से 5x5 ब्लॉक्स का प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, वहाँ पे सारे मेंबर्स मेरी एक वीडियो के पार्ट के लिए आएंगे और फिर मैं उनको खाई में फेंक दूंगा। मैं अपना ट्रैप एसएमपी में बना ही रहा हूं तो लेकिन मेरे को एक एसएमपी मेंबर का ही मैसेज आता है। वो कहता है टूर्नामेंट ऑफ किलिंग एवरीवन। ये मैसेज को मैंने इग्नोर करके अपना ट्रैप पे काम चालू कर दिया। मेरा ट्रैप कम्प्लीट ही हो गया था। फिर फाइनली वक्त हो गया था टूर्नामेंट का। हेलो दोस्तों, फाइनली पीवीपी टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। मैंने ये फेक टूर्नामेंट में थोड़े बहुत पीवीपी मैचेस भी स्टार्ट करवा दिए थे। चलो भाई पहला मैच स्टार्ट करो, प्रांशुल वर्सेस क्रेजी सिलिटिकल। ये मैच के बाद बारी आती है मेरे फेक मैच की। ओके फाइनली जी लेट्स गो भाई। दोस्तों का थोड़े बहुत और मैचेस के बाद मैंने प्रांशुल को बोल दिया कि वो सारे मेंबर्स को मेरे ट्रैप के ऊपर ले गया है। केप्स की वीडियो है, केप्स की वीडियो है, केप्स की वीडियो है। दो मिनट में ना ये थोड़ा सा एरिया क्लियर कर लेता हूँ। सोलम भाई खड़ा होता ना जहाँ पे खड़ा होते हैं, काम कर तो जमीन में चले जाके उधर से रिप्ले मोड चला लियो। हाँ मैं बस रिप्ले के लिए नीचे जा रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा भी आता है। तो गाइस दैट इज इट फॉर इट टुडे। ये था मेरा पहला लाइफ स्टाइल एसएमपी ट्रैप। ये ट्रैप के बाद एसएमपी में एक वॉर हुई, मैंने कुछ लोगों को हंट किया और फिर बेरोज एसएमपी का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन इसके बाद मेरा एक दोस्त पी गेमर्स मेरे को रेट्रीब्यूट एसएमपी में इनवाइट करता है। लेकिन उससे पहले आगे की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने तुमको लापता एसएमपी, इलाइट एसएमपी, रेट्रीब्यूट एसएमपी ये सब की फुल स्टोरीज बताई है। इसमें से बहुत से पार्ट्स ऐसे जो मैंने अपनी वीडियोस में भी नहीं दिखाया। एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो नया साल आ गया, नए साल में मेरे को सिल्वर प्ले बटन चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड मेरे को 100K तक ले गया। उसके बाद फेस रिवील भी होगा ना। रेट्रीब्यूट एसएमपी की स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो हमने ज्वाइन कर ली है रेट्रीब्यूट। ये एसएमपी ज्वाइन करते ही मेरे को पता लग गया था कि भाई यहाँ पे थोड़े से अलग लोग हैं। आई एम अंडर द वाटर, मैं मतलब एएफके था एंड किसी ने मेरे को आके मार दिया। और यहाँ पे बस तीन लाइफ थी, तीन लाइफ के बाद तुम बैन हो जाओगे। लेकिन मेरे को बैन नहीं होना था। आई वॉन्टेड टू अचीव इमोर्टैलिटी। मेरे को बहुत सारे लोग अभी मास्टरमाइंड बुलाते हैं। वेल दिस इज वेर इट स्टार्टेड। बैन प्लेयर को रिवाइव करने के लिए एक बुक थी और अगर मेरे पास इन्फिनिट रिवाइव बुक्स हो जाती है तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा। एंड वो बुक की रेसिपी देख के सारी चीजें फार्म हो सकती थी, बस एक के अलावा एक हेड। मेरे को वो हेड किसी को मार के लेना था। लग गए भाई हम ट्रैप बनाने। मैं किसको मारूं? मेंटोस जिंदगी है ना, तो जो बंदे ने इनवाइट किया उसी को मारते हैं। मैंने एक सिंपल सा ट्रैप बनाने का सोचा। नीचे ट्रिप फायर हुक होगी एंड ट्रिप स्टोन होगा, उसका टोटेम पॉप होगा पहले से एंड फिर वो टीएनटी माइनक्राफ्ट से मर जाएगा। सो ये रहा मेरा फाइनल ट्रैप। ये मैंने अभी एक क्रिएटिव वर्ल्ड में बनाया, होपफुली ये वर्क करे। मैंने अच्छे से तो बनाया आई थिंक। वेट व्हाट? सो मेरा ट्रैप वर्क नहीं कर रहा था लेकिन मैंने पी गेमर्स को अपना रेड फार्म दिखाने के लिए ऑलरेडी बुला लिया था एंड वो जब तक रास्ते में था मैं अपना ट्रैप कंप्लीट कर रहा था। हाँ तो ओवरवर्ल्ड के कॉर्ड्स है 200-300। फिर से तो 300 मीटर ही दूर है बस, पक्का यही है। हाँ यही है, चिंता ना कर। चल चूट। इतने बेकार प्लान्स के बाद भी मैंने लापता एसएमपी कैसे ज्वाइन कर ली? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, पी गेमर्स आने वाला था तो मैंने ट्रैप को बस जैसे तैसे कम्प्लीट कर दिया। तो वेलकम पी गेमर्स, ये रहा मेरा रेड फार्म। यहाँ पे नीचे आ जा, पहले तू जा। बेस लेकिन 1,00,000 ब्लॉक दूर है उधर। ओ भाई भाई, जब उसने मेरा ट्रैप देख लिया था मैं पी गेमर से लड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ऊपर कैसे जा रहा है? भाग रहा है, भागेगा। मैंने उसको थोड़े अच्छे कॉम्बोस दिए लेकिन हमारी रेट्रीब्यूट की स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मैं पी गेमर को अपना इमॉर्टैलिटी वाला प्लान बताता हूँ एंड वो भी मेरे साथ आ जाता है एंड अपना हेड मेरे को खुद देता है लेकिन एक शर्त पे कि मैं उसका एक काम करूंगा। तो दोस्तों काम तो हमारा बहुत सिंपल सा है, मेरे को बस पी गेमर्स के लिए एक ट्रैप बनाना है, नॉट पी गेमर्स के लिए लेकिन उसको दूसरे बंदे को मारना है। तो मेरे को उसकी मदद करनी है ट्रैप बनाने में। मैंने ट्रैप बनाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन मैं बैन हो गया। रुको, जो बंदा सिंपी में बैन होता है वो स्पेक्टेटर मोड में आ जाता है एंड स्पेक्टेटर मोड का एक फीचर
है जिससे तुम कोई भी प्लेयर पे टेलीपोर्ट हो सकते हो। ये फीचर यूज करना एसएमपी में अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स मानता ही नहीं है। मेरी लोकेशन किसी ने लीक कर दी और मैं इलीगली बैन हो गया। मेरे को रेट्रोवर्ट एसएमपी से और भी दिक्कतें थी, इसलिए मेरे को एसएमपी छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके बाद मैंने अपनी बेस्ट एसएमपी ज्वाइन की, इलाइट एसएमपी। एसएमपी स्टार्ट होते ही सारे ग्राइंडिंग पे लग गए थे। मैं बहुत ज्यादा लगी था तो मेरे को एक स्केलेटन स्पॉनर मिला था। अरे ये क्या हुआ? No! सिर्फ एक बार ही मरने के बाद, वो भी गलती से, मेरी रेपुटेशन पूरी रियून हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला था। मैंने एसएमपी में ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दी और मैं एसएमपी में सबसे पहला प्लेयर बना जिसने नेदरराइट आर्मर बनाया। ये करते करते मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया था। मेरे को एक बहुत तगड़ा आइडिया आया, व्हाट इफ मैं अभी जाके एंडर ड्रैगन को मार रहा हूँ, मैं बिना एंड वॉर के ड्रैगन निकले आऊंगा। जो एसएमपी के रूल्स है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि तुम एंड में नहीं जा सकते हो एंड वॉर से पहले। तो मैंने एंडर पर्ल ब्लेज रॉड इकट्ठा की और मैं स्ट्रॉन्ग गोल्ड ढूंढने निकल गया। स्ट्रॉन्ग गोल्ड मिलता ही मैंने उसमें आइस फिल की। मैं अभी जाके एंटी ड्रैगन को मार के तो आ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक एसएमपी का अच्छा नागरिक हूँ, मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ। मैं एक बार उनसे पूछ लूंगा कि लाइक मैं रूल नहीं तोड़ रहा हूँ कोई, क्योंकि मेरे को एसएमपी में रहना है, मैं एसएमपी का अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, रूल्स के रिलेटेड। रूल्स है क्या क्या, मतलब जो डिस्कॉर्ड सर्वर में दिए हुए है वही है ना? वैसे उसमें कुछ एंड के रिलेटेड नहीं है। सामने है पोर्टल यार, भाई ड्रैगन मतलब नहीं जा सकते, नहीं बैन हो जाओगे, सर्वर से बैन हो जाओगे, रूल से खिलाफ है वो। दैट वाज अ क्लोज कॉल, में ऑलमोस्ट बैन हो जाता, वो रूल्स में लिखा नहीं हुआ था, लेकिन वो बिना बताया रूल था, मेरे को नहीं पता। देखो ड्रैगन एक हमको नहीं मिल पाया, लेकिन पूरी एसएमपी में सिर्फ नेदरराइट आर्मर मेरे पास ही था, मैं एसएमपी का स्ट्रांगेस्ट प्लेयर था। फिर मेरे को एसएमपी मेंबर्स का बुलावा आता है, मैं आगे हेलो, ओके नाइस, ओह व्हाट वाज दैट ब्रो, गाइस मुझे कुछ गलत क्यों लग रहा है? अरे भाई आप हंटिंग होने वाली, सच में हंटिंग होने वाली क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उन सबको अभी ही मार सकता था, लेकिन मैंने उनकी हेल्प की, उनको थोड़ी बहुत चीजें दी। ओह थैंक यू सो मच, हमें यही चाहिए। मैं फ्रेंडली हूँ पूरा, नहीं बिल्कुल नहीं लग रहे, सॉरी। मेरे को तो एलाइट एसएमपी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन फिर अगले दिन मेरा टीममेट एपिक प्लेस बैन हो गया, जो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मेरे टीममेट का बैन होना मेरे लिए क्यों अच्छी बात है? क्योंकि उसके बैन से मैं इनफिनिट हार्ट ले सकता था। जो रिवाइव बुक की रेसिपी थी वो 4 हार्ट लेती थी, एंड जब बंदा रिवाइव होके आता था वो 10 हार्ट पे आता था, मतलब 6 हार्ट का प्रॉफिट। लेकिन रिवाइव बुक की रेसिपी के लिए हमको एक विदर स्टार चाहिए था, तो मैं विदर स्केलेटन्स को मारने लग गया। लेकिन विदर को मारने से एक एडवांसमेंट आती है, वो अगर किसी को पता चलती तो मेरा ग्लिच पकड़ा जाता एंड वो फिक्स हो जाता। मेरे को सीक्रेटली विदर को मारना था। ओके, जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा इलीगल हो सकता है, एंड जो प्लेयर ऑनलाइन है हम विदर को अभी नहीं मार सकते। वो एडवांसमेंट अगर किसी ने देख ली तो ग्लिच फिक्स हो सकता है। थोड़े टाइम बाद डॉग भी लॉग आउट कर देता है। हियर वी गो, फर्स्ट विदर ऑफ एलाइट एसएमपी। हेलो विदर, क्या हाल चाल है? मेरे पास नेदरराइट आर्मर है तो इसको मारना आसान ही है। ओके मर गया भाई, लेट्स गो, विदर स्टार आ गया हमारे पास। फिर एक एक करके रिवाइव बुक की सारी चीजें मैंने इकट्ठा कर ली थी। ओके एपिक, तू फाइनली रिवाइव होने वाला है, अलग क्या था हो जाएगा। तू फर्स्ट डे बैन हुआ था और सेकंड डे रिवाइव हो रहा है, फर्स्ट रिवाइवल ऑफ एलाइट एसएमपी। मेरे को फिर एपिक ने अपने नो हार्ट निकाल के दिए एंड मैंने उसको फिर से बैन कर दिया, एंड मैंने उसके नो हार्ट में से 4 हार्ट निकाल के रिवाइव बुक बनाई, एंड ये प्रोसेस रिपीट करते करते हमारे पास 28 हार्ट आ गए थे। फाइनली एलाइट एसएमपी का स्ट्रांगेस्ट प्लेयर बन गया था, मेरे पास ज्यादा हार्ट से ज्यादा आर्मर था, लेकिन मैंने एलाइट एसएमपी में अपने सारे हार्ट डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे क्यों? वेल, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने एसएमपी स्टार्ट होने के 5 दिन में ही 20 हार्ट्स कर लिए थे, जो एसएमपी की मैक्स लिमिट थी, एंड बाकी प्लेयर्स अभी भी 10 हार्ट्स पे ही थे। सो सारे मेंबर्स ने वो ग्लिच को फिक्स करवा दिया, मैंने अपने हार्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड मैं एक एसएमपी का शरीफ प्लेयर बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। एलाइट एसएमपी में कोई मेरा बेस डिस्ट्रॉय कर देता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं एक एक करके सारे एलाइट एसएमपी मेंबर से पूछताछ स्टार्ट कर देता हूं। हेलो, मेरे को सुनने में आपने मेरा बेस तोड़ दिया? मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा ऐसा है क्या? यप। तो कोई आइडिया किसने तोड़ा है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो अनबाउंड के साथ था उस समय, तमर को पता चला। अच्छा, तो अनबाउंड ने तोड़ा है क्या? मुझे नो आइडिया, मैं तो उस समय तो मैं उस अनबाउंड के साथ ट्रेड करने आया था। नेक्स्ट मैंने अनबाउंड से पूछा, अनबाउंड मेरा बेस टूटा हुआ है, तेरे को पता है किसने तोड़ा? चार टोटम तो फिर एक राची बता। मेरे को अनबाउंड बताते कि स्टील विंग ने मेरा बेस तोड़ा है। स्टील विंग क्यों तोड़ेगा यार, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं किया। मैंने स्टील विंग को सीधा 1v1 के लिए चैलेंज कर दिया। ओके, मैं पूरे रेडी हो गया हूँ। ये डार्क वेब का बनाया हुआ पीवीपी अरीना है, हमारा 1v1 यहाँ पे होने वाला है। तो क्या आप रेडी हो 1v1 के लिए? ये चले जाएंगे भाई, अब खत्म।
स्टीलविंग द डोमिनेटर ऑफ दिस एसएमबी आज डेड होने वाले, आई मीन डेड करने वाले केप्स को देखते हैं उनकी बंदन। अरे यार मेरे को लगाया ही नहीं यहां पे स्टीलविंग भाई हमारे कॉबवेब्स यूज करते हुए। अरे व्हाट, अरे भाई ग्लिच करके निकल गया मेरे को, स्टीलविंग भाग गया भाई। ठीक है, अरे नहीं भाग गया, भागा नहीं है भाई, ग्लिच के थ्रू निकल गया वो। यहां पे केप्स अपनी पीपी का शोकेस करते हुए स्टील विंग डू इट, मार दो स्टील स्टील मरते हुए। होल्ड अप, ये क्या हुआ, टोटम यहाँ पे था ये वहाँ पे कैसे आ गया? स्टीलविंग एक्चुअल में ये फाइट में चीट कर रहा, ये एक ऑटो टोटम मॉड था जो उनको पता नहीं था कि ये हैक में आता है। बेसिकली मैं फाइट हार गया और मेरे को तुम्हारी वीडियो से पता चला कि वो ये हैक यूज कर रहे थे, लेकिन इट इज फाइन बिकॉज इलाइट एसएमपी में मेरे प्लान बहुत ज्यादा बड़े होते आ रहे थे। सो इलाइट एसएमपी में एंड वॉर की बांसुरी बज गई थी एंड सबकी टीम्स भी बन रखी थी, ऐसे में मैंने अनबाउंड की हेल्प ली। यहाँ तो सब अच्छा जा रहा था लेकिन मुझे क्या पता था मेरी टीममेट का कुछ और ही प्लान था। अबे डार्क, व्हाट द हेल, स्टार्ट हो चुका, स्टार्ट हो गया भाई, चलो अरे रुक जाओ भाई, सारे इनविजिबिलिटी तो लेके जाते यार। मैं वेट कर रहा हूँ भाई, इस फोटो कैसे, कसम से अब अनबाउंड मर गया, मर गया अनबाउंड। अरे दो मिनट रुक गया ना, ही नहीं ऑप्शन, वो क्या बोलते अपना कहीं पर वो प्लेटफॉर्म नहीं सकते हुए छोड़ दे, तुम जाओ वॉर करो, मैं जा रहा हूँ अपनी इलाइट्रा वगैरह लेने। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द एंड वॉर। मैं भी चलूंगा भाई, तो मैंने अभी इन सबको बोला है मैं इलाइट्रा लेने जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुमको लगता है मैं इलाइट्रा लेने जाऊंगा? नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, मेरे में है बहुत सारा दिमाग, तो मैंने बनाया अपना मास्टरमाइंड प्लान। मैं पूरी एंड वॉर को अवॉइड करके सिर्फ ड्रैगन एग लेने वाला था। ओके ये मशीन रुक जा, ब्रो ये कितना ज्यादा रिस्की है सही में। मैंने अभी थोड़ी सी मिस्टेक की ना, मैं सीधा मर जाऊंगा वॉइड में जाके एंड यहाँ पे हम दूसरी मशीन बना देंगे। ओके अब हम जाएंगे वापस हमारे एंड के आइलैंड पे। ओके मैंने वे पॉइंट लगा रखा है, तुम वहाँ देख पा रहोगे, सो हम मशीन को यहाँ तोड़ेंगे एंड सेफली ब्रिज करते हुए जाना है मेरे को। नो ब्रो ये स्लाइम गिर गई नीचे, अगर उन्होंने स्लाइम उठा ली तो उनको पता चल जाएगा कि कौन ऊपर है। ड्रैगन की हेल्प लो तैयारी थी, मारो भाई मारो ड्रैगन को मारो। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, यस यस यस, ओह माय गॉड दिस इज सो लाउड, यस 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 आ गया, आई गॉट इट। वो मेरे को ड्रैगन एग इलाइट एसएमपी का सबसे रेयरेस्ट आइटम मिल चुका था। मैं यहाँ पे तो मर गया था लेकिन सबको अंदर ही अंदर पता था कि मैंने अपने माइंड का यूज करके जीत पा लिया एंड वॉर में। एंड वॉर के एक हफ्ते बाद मेरे को लिविंग लेजेंड का कॉल आता है। ओके सन, तो मेरे को बेसिकली ड्रैगन एग की अचीवमेंट, वो मेरे को बोलते है कि उसको एक वीडियो बनानी है, उसको ड्रैगन एग की अचीवमेंट चाहिए एंड मैं भोला बच्चा मान जाता हूँ। मैं उसको बोलता था कि अगर वो मेरी एपिक को मारने में मदद करेगा तो मैं उसको वो दे दूंगा, और फिर हम एपिक को मारते हैं एंड फिर मैं अपनी लाइट सिंपी की सबसे बड़ी गलती करता हूँ। कुछ है तो नहीं ना इधर? अरे भाई कुछ नहीं, अरे भाई तेरा कुछ नहीं है, आई एम रेडी। जी जी ये ना कर दे। जो लिविंग लेजेंड को एडवांसमेंट लेके एक वापस देना था वो लेके लॉग आउट हो गया था, लेकिन वो एक ऑक्सीजन के बॉक्स में स्टक था। मैं उसको जाने तो नहीं देने वाला था लेकिन मेरे को एपिक प्लेस लिविंग का एक्चुअल प्लान बताता है। He wants you dead. Dead क्या? बैंड। उसके लिए वो पता है किसको किसको हायर किया है? स्टीलविंग।
डार्क वेब गेमर नॉट इस पोटू, तू एसएमपी का मोस्ट वांटेड प्लेयर बन चुका है, तू खुद फंस चुका है रे, तू खुद सोच, तू खुद फंस चुका है, बुला अपने टीममेट को, जीवीआई को बुला, तो तू स्क्रीन शेयर करके वहां से दूर जा, मेरे और लिविंग को वहां से जान दे, वहां पर एक एंडर चेस्ट लगा के लिविंग को वहां से जान दे। मैंने पिक को साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर मैं आप पे बहुत ज्यादा पैनिक कर गया और फिर मेरे को एपिक प्लेस ने मार दिया। मैंने उसके सिंप की स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा हेल्प की थी, उसको अनबैन किया था, लेकिन अब बहुत हो गया था। मेरे को एक बार एपिक ने मारा था एंड अब मेरे को भी एपिक को मारना था। मेरे को उसको ऐसे मारना था कि वो कभी एसएमपी में खेल ही ना पाए। ये देखो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे एपिक प्लेस लाइट एसएमपी में बहुत वक्त के लिए नहीं आ पाएगा। बेसिकली मैं ये बुक लूंगा, ये बुक में क्या लिखा मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मैं ये अजीब से करेक्टर लिखे अबड़ू दबड़ू, ये पूरे 100 तक भरे हुए, एंड मैं ये इसमें डाल दूंगा एंड ये शल्कर बैन बन जाएगा। एक बेसिकली ये बुक में बहुत सारा डेटा होता है। अगर ये बुक वाला शल्कर कोई प्लेयर के इन्वेंटरी में आएगा तो सर्वर उसको निकाल देगा। ये शल्कर मैं लाइट एसएमपी में आराम से बना तो लेता हूँ, लेकिन ये एपिक प्लेस के इन्वेंटरी में जाएगा कैसे? नेस्केफे से। इसकी फुल फॉर्म न्यू इलाइट सर्विसेज है। बेसिकली ये कुछ पैसे लेके एक काम करते हैं एंड मैं इनको अपना काम बता के मीटिंग पे बुला लेता हूँ। वेलकम टू द नेस्केफे। यू माइट बी थिंकिंग कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? सो वी आर अ कंपनी जो कि हम लोगों की ना कुछ स्पेसिफिक चीजों में हेल्प करते हैं। जो चीज आप बोलोगे वो करेंगे। किसी बंदे को बैन करना तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। देखो, मेरे को बस एपिक प्लेस की इन्वेंटरी में एक शल्कर डलवाना है, मैं चाहता हूं तुम उसको बुलाओ। क्या ये पॉसिबल है? यस यस। अच्छा देखो, हम ये काम तो कर सकते हैं, बट इसके बदले हमें क्या मिलेगा? मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। तो 64 एंशिएंट डेब्रिस। मैं उनको आधी पेमेंट अभी देता हूं, आधी पेमेंट काम के बाद। फिर वो मेरे को एक बिल पकड़ा देते हैं। बिल डस किल नहीं भाई, किल नहीं, उससे भी बुरा। थोड़ी देर में ही नेस्केफे टीम वाले मेरे को और एपिक प्लेस को बुला लेते हैं। Okay, so Epic and Capes, ये है हमारा नेस्केफे गिफ्ट सेंटर। अभी ना रूबीटोन आप दोनों को अंदर लेके जाके एक्सप्लोर करेंगे। डाल दी, वो सेटअप कर दो आप। देख एडिटिंग में यहाँ पे वैसे डिस्प्ले वो होगी जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा रिमेम्बर सीन दिखाया जाएगा। थोड़ा ना ऐसे फेक रिएक्शन दे दो। ओ भाई, ये तो क्या याद करने की चीज है पूरी। ओ भाई डैम, याद है ना ये सारे सीन? याद आ रहे होंगे तेरे को कितने? यस यस। मैं तेरे को क्या बता, क्या पैक कर रहे हो? हमने एपिक प्लेस को बैन कर दिया था। एक मजे की बात बताता हूं तुमको, एक दो महीने तक एपिक प्लेस ये सीन के बाद एसएमपी में ज्वाइन ही नहीं हो पाया था। इसलिए मैं कहता हूं भाई पंगे मत लिया करो मेरे से, ठीक है? ये वीडियो को लाइक भी कर देना, नहीं तो तुम्हें भी बैन कर दूंगा। लेकिन क्या मैं तुमको एक राज की बात बताऊं? ओके, तो ये है एपिक प्लेस की वीडियो। ये यहाँ पे ड्रैगन एग्लेयर है, लेकिन मैं तुमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन दिखाना चाहता हूँ। एपिक की वीडियो है, अभी यहाँ पे मेरे को एपिक ही मारने हैं। लेकिन तुम ये एक सीन देखो, ये पूरा सीन देखो, ये पार्टिकल देखो, ये पूरा टेक्सचर बैग देखो, ये चीज की प्लेसमेंट देखो, ये तीन ऐसे एंड अगर मैं तुमको लिविंग की वीडियो दिखाऊं, या बेसिकली माय पॉइंट इज ये लिविंग की वीडियो है, इसके लिए सारे पोर्शन इफेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये एपिक प्लेस का अकाउंट है एंड इसके पोर्शन इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। यूजुअली अगर एपिक आता है तो एपिक के पोर्शन इफेक्ट्स यहाँ आते हैं। ये उसी की वीडियो में, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम ये वीडियो खुद देख सकते हो। तो बेसिकली इससे प्रूव हो गया था कि वो एपिक नहीं, वो लिविंग था। मेरे को लिविंग से बदला लेना था, लेकिन मेरे को स्टील विंग कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। दिल्ली गेट खोलता जा केप्स। ओह यस, तो क्या दिखाना था? इधर आ जाओ, आओ तो उड़ के आओ। व्हाट, ये क्या है? ये क्या है? ये बेडरॉक है क्या? ये एक लाइक ये कैसे हुआ है चरे? ये टेक्सचर बैग तो नहीं है ना कोई? अरे नहीं, टेक्सचर तुम तोड़ के आ जाओ, देख लो। हां नॉर्मली ये टेक्सचर बैग तो। हेलो केप्स, हां हां, एवरीथिंग इज ओके? नहीं, नथिंग इज ओके एक्चुअली। ये क्या है? क्या हो गया? ये तो आप बताओ ना क्या हुआ है। अरे बेडरॉक है ये। ये बेडरॉक अलाउ यू हैकअप से? ये तो कुछ ज्यादा इलीगल हो गया। टीम ऐसे तो सब पॉसिबल है भाई। यस, इन लोगों ने कोई इलीगल एक्सप्लॉइट से ये बेडरॉक का लोगो बनाया। केप्स, अपने सारे टोटम फेक। ट्रस्ट मी, तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं होगी जो चीज हम तेरे को देने वाले। सारे टोटम फेक। अरे फेक, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजाक फेक, फेक। ट्रस्ट मी, ऑफ एंड में भी है ना, वो भी फेक। हां ट्रस्ट मी। अरे नहीं, मारने नहीं वाले, मारने नहीं वाले। अरे लेफ्ट हैंड का भी हटा दो।
कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे। चल ठीक है, ट्रस्ट है मेरे को। हाँ ट्रस्ट है भाई, ट्रस्ट है। हाँ ट्रस्ट दे दे काम पर। व्हाट एफ 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 डायरेक्ट एफ। मेरे को मारने का है, बस खुश मेरे को मारने का है। ये 53 हो गया। हाँ अरे रियल है टोटम सर। ये कैसे हो रहा है भाई? केव चलो हम लोग चलते हैं, ठीक है? तुम उसके लिए एंजॉय करो। ये कैसे हुआ है लेकिन, ये क्या है? अरे जो भी है वो है केव्स। ये टीम ऐसे है और टीम ऐसे तो सब पॉसिबल है। केव चलो भाई। अरे देर केव्स मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। मैंने उन्हें बोला मुझे कुछ वीडियो बनानी है, तो थोड़ी सी बेडरॉक मिल सकती है क्या? कितने बेडरॉक चाहिए मेरे को? 5-6 स्टैक। यू कैन टेक दिस। मैंने मस्ती मजाक में अपना स्पॉन बिल्ड बनाया। मैं बिल्ड बनाऊंगा पे अपना। अरे भाई तू गलती से बेडरॉक प्लेस मत कर देना सर। यहाँ बना लूंगा। अरे भाई लाइट सैम्पी का इलीगल एरा स्टार्ट हो गया। ये दो बंदों ने पता नहीं कैसे ऑपरेटर ले लिया, फिर उन्होंने एंडवॉर रखी। लेकिन लाइट सैम्पी में एंडवॉर तो हो गई थी। इनकी भी मेंटोस जिंदगी है। ये एंडवॉर नेदर में हुई। मैं ये एंडवॉर में थर्ड नंबर पे आया था, लेकिन जो बंदा फर्स्ट आया था उसको ड्रैगन एग मिला था। एंड तुम लोगों को पता ही है ड्रैगन एग से मेरा कैसा रिश्ता है। मेरे को वो नया ड्रैगन एग कोई भी कीमत पे चाहिए था। अगर तुम्हें ड्रैगन एग चाहिए ठीक है, तो ड्रैगन एग पहली बार तुम्हें परमानेंट नहीं मिल सकता। तुम्हें सिर्फ ड्रैगन एग लेना है, बस हाथ में एक बार देखना अपने ड्रैगन एग को वापस। एक बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रहोगे ठीक है, इसके अंदर हम आपको ड्रैगन एग देंगे ठीक है। आप कॉम्बैट के अंदर रहोगे, आप लीव नहीं कर सकते। स्क्रीन शेयर ऑन रहेगा, आपकी स्क्रीन शेयर देखेगा कुछ भी सामान एकदम निल। ओके लिसन केप्स, हमने तुमको वो रिक्वायरमेंट्स तो बता दिए क्या क्या है। हाँ। लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा इन रिटर्न। ओके क्या करना पड़ेगा? जस्ट बैन एनी वन प्लेयर। मेरे को इन्होंने बस एक प्लेयर को बैन करने के लिए बोला था, लेकिन एक से भले दो, मैं दो प्लेयर को लाइव स्ट्रीम में बैन करने वाला था। लेकिन कैसे? बहुत ज्यादा दिमाग। लाइव स्ट्रीम में कोई प्लेयर को बैन करने के लिए उसका रिस्पॉन पॉइंट चाहिए होता है, तो मैं एक एस्केप रूम बनाता हूँ बहुत सारी माइंड गेम्स के साथ, जिससे वो खुद मुझे अपना रिस्पॉन पॉइंट देगा। हाउ डज दिस वर्क? ये ट्रैप के तीन पार्ट्स है। पार्ट वन द प्लेज। मैं सबको स्पॉन से खुद लेके आया। मैं जा रहा हूँ, मेरे को फॉलो ही करते रहिए। हाँ मेरे को फॉलो करते रहिए, बस मेरे को फॉलो। तो ये पोर्टल के दूसरी पार है हमारा एस्केप रूम। एंड उनसे एक सिंपल एंडोबल वाली ट्रिक करवाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे को अपना स्किल टेस्ट देना होगा। कैसा स्किल? बेसिकली जो मैं अभी कर रहा हूँ तेरे को वो रीएनैक्ट करना है। लेकिन ये बस एक स्टार्टिंग है। यू सी जब प्लेयर्स खुद चीजें चेक करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, दे लेट देयर गार्ड डाउन। पार्ट टू द टर्न। क्योंकि दे लेट देयर गार्ड डाउन, मैं जो बोलूंगा वो कर देंगे। देखो लग गया टेक्सचर पैक, ठीक है लग गया ना। हेलो अब तू ट्रैप हो चुका है, कोने में आ जा। एक दो ये सारी चीजें बस। ये चाहिए नहीं क्या तेरे को? मैं रख लूँ क्या? अरे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। मैंने उनसे एक टेक्सचर पैक लगाया। वेलकम टू द एस्केप रूम। ये बनाया कब तुमने? बहुत वक्त से मेहनत जारी है, हम मजदूर। नहीं मैं इधर आया कैसे? लेकिन मैजिक। अच्छा अच्छा ऐसा भी। ब्लॉक नहीं तोड़ सकते, ब्लॉक नहीं तोड़ सकते। नहीं लेट्स सी क्या करता है तू। आइटम फ्रेम लगा दियो भाई मेरे पास थोड़ी सी। भाई व्हाट द हेक। अरे वाओ एंड फर्स्ट स्टेज एस्केप। ओह माय गॉड ये तो पूरा ब्लैक रूम है। वन क्लिक माइट डिसाइड योर फेट। लेट्स गो। ओह मैं समझा कैसे करना। वन ये वाटर की पाइप्स तुम देख पा रहे होगे। ये थोड़ा सा भी ट्रैप नहीं है, बस दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शन सेफ है। मेरे को बस उनका ट्रस्ट एक्वायर करना है। नहीं नहीं मैं यही लूंगा। तो दोनों रास्ते एक ही जगह नहीं आ रहे क्या? ये दोनों सेम ही थी। अरे तेरी चूज केयरफुली। 1 2 3 4 तीन पीन पो चैम चू 5 6 7 I will choose this. भाई यहाँ से जा रहा हूँ भाई, मेरे डेडलीस्ट गेम में मुझे यहाँ से जाने को इजी। Are you serious? तुम मेरे को पागल बना रहे थे क्या यार? फालतू में मैं
ये क्या है? पार्ट 3 द प्लेज। ये पार्कोर कोर्स, ये पार्कोर कोर्स में एक ऐसी जंप है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैसे जा सकता हूँ मैं? क्या इधर कुछ लगा है ऐसी चीज जो कि इनविजिबल हो जाएगा? एंड उन्हें लग रहा है ये पार्कोर कोर्स इस एस्केप रूम का हार्डेस्ट पार्ट है। एंड यहाँ पे मेरा पार्ट आता है, मैं उनको थोड़ी बहुत हिंट दे के एस्केप रूम पार करवा लेता हूँ। यहाँ पे जाले है ना, वैसे जाले से स्पाइडरमैन याद आता नहीं? इस दिस अ हिंट। स्पाइडरमैन क्या कूद के जाता है? ओके, फाइनली फिगर इट आउट। नेवर माइंड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। फाइनली ये है एस्केप रूम का लास्ट रूम। यहाँ से आके लोग एक लीवर दबाएंगे एंड वो एस्केप हो गए। मेरे को बता तुम क्या सोच रहे होगे, यहाँ पे कौन बैन हो रहा है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू ये सब माइंड गेम्स है, ये सारा एस्केप रूम बस एक कवर था फॉर द रियल बैंड रूम। हाउ? मैंने ये एस्केप रूम 4 लोगों से करवाया एंड उन्हें एक स्पीड रन लीडर बोर्ड पे डाल दिया। ये लीडर बोर्ड मैंने एलाइजस एमपी के प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल दिया। जब हमारा विक्टिम ये देखेगा वो और सेफ फील करेगा बिकॉज और लोगों ने ये रूम पूरा कर रखा है एंड मैं उसको फाइनली रियल एस्केप रूम में लेके जाऊंगा। दिस इज द रियल प्लेज। मैं मूसा प्लेस को यहाँ तक लेके आया हूँ एंड मेरे को बस मूसा प्लेस से ये TNT को लिफ्ट क्लिक करवाना है। अरे इस पे राइट क्लिक करना था भैया। क्या हुआ? ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। सामान की फिक्र होती थी भाई मूसा। अब तो वेलकम टू लाइफ सीरीज एमबी मूसा। चलो बाय बाय मूसा जी, सारे मिले हुए हो। बाय 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 बाय, वेलकम टू लाइफ सीरीज एमबी मूसा। मूसा को बैन करके मेरे को रियलाइज हुआ मैंने क्या बना दिया था। यार इससे कोई भी प्लेयर बैन हो सकता है, मैं SSMP का स्मार्टेस्ट प्लेयर बन गया था। लेकिन एक बंदा और रहता था। मैंने दो प्लेयर्स को बैन कर दिया था एंड फाइनली बारी थी मेरे को ड्रैगन एग वापस मिलने। रॉबिटॉन ने मेरे को बोला था कि वो मेरे को ड्रैगन एग सिर्फ 2 सेकंड के लिए देगा, वो भी मैं जब बस 2 हार्ट पे हूँ एंड एक ऑब्सीडियन के प्रिजन में एक खाली इन्वेंटरी के साथ हूँ। मैंने इस पे हाँ तो बोल दिया था लेकिन मेरा कुछ और ही प्लान था। साहब अपना सारा सामान क्लियर हो गया? हाँ कुछ भी नहीं है बस। मेरे को रॉबी ने ड्रैगन एग देने के लिए बुला लिया था, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था एंड मैं सिर्फ 2 हार्ट पे था। मैं ये इंटर चेस्ट रख लेता हूं अपने पास। मेरे को मार मत दियो बस। नहीं मारूंगा, मेरे को मारने की क्या जरूरत पड़ेगी, खुद बताओ। अरे मैं 2 हार्ट पे हूँ, थोड़ा सा हेड यार। वेलकम टू द ऑब्सीडियन केज माय फ्रेंड। सबसे पहले केव स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है ये रहा स्क्रीन शेयर। लेट मी चेक योर इन्वेंटरी। ओके इन्वेंटरी खोल सकते हैं अपनी। ओके केव्स टेक्सचर पैक्स नहीं है कुछ भी। ओके सो क्योंकि आपने अपना मिशन कंप्लीट किया है केप्स, तो उसके लिए आपको आपका रिवॉर्ड मिलता है। ओके सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे टच करके कॉम्बैट में डालूंगा। ओके ये लो ड्रैगन एग। दिस इज लाइफ स्टाइल SMP। मैं रॉबिटॉन की सिक्योरिटी के थ्रू एक इंडर चेस्ट ले गया था। मैंने एक स्पेशल टेक्सचर पैक लगाया था जिससे वो इंडर चेस्ट एकदम इनविजिबल हो जाए एंड दैट्स हाउ मैंने फाइनली अपना ड्रैगन एग वापस लिया। इसके बाद एलाइट SMP का season 1 एंड हो जाता है। लेकिन मेरी स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं हुई है। मैंने सोचा कि मैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर SMP के मेंबर का माइनक्राफ्ट अकाउंट हैक करूंगा। देखो प्लान बहुत सिंपल है, मेरे को लापता SMP ज्वाइन करनी है एंड उसके लिए एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। लेकिन व्हाट इफ मैं वो एप्लीकेशन में ही लापता SMP ज्वाइन कर लूं। मैंने डार्क वेब गेमर को एक टूर्नामेंट पे बुलाया था। मैंने एक स्टोरी लाइन सोची थी जिससे मैं डार्क वेब गेमर से चीट करवा पाऊं एंड जैसे उसने चीट किया जो सर्वर एडमिन था उन्होंने डार्क का PC चेक किया। ये सर्वर एडमिन मैं ही था। मैंने डार्क के PC में जाके उसका पासवर्ड एंड लापता SMP की IP निकलवा ली। मेरे को ये दोनों चीजें मिल तो गई लेकिन मैंने डार्क वेब गेमर को एक वे में हैक किया एंड मैं एक हैकर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं लापता SMP ज्वाइन ना करूं उसके अकाउंट से और उसको जाके सब सच बता दूं। क्या किया था भाई? तो बेसिकली जब मैंने स्क्रीन शेयर किया डार्क को स्टोरी बताते बताते मेरे को रियलाइज हुआ कि जो मैंने किया वो गलत। मेरे को बस लापता SMP ज्वाइन करनी थी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने थे। सो मैंने लापता SMP की एप्लीकेशन बनाई, लापता SMP ज्वाइन की एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री।